तो दोस्तों करण जौहर ने लगाई गौतम बिक को अच्छी खासी लताड़, क्योंकि जिस तरीके का मुद्दा उठाया करण जौहर ने उस पर अच्छी खासी औकात मिल गई। किसे? गौतम बिक को। करण जौहर कहते हुए नजर आए कि तुम सौंदर्य शर्मा को क्या कहते हो गौतम, एक घर के कोने कोने में जाकर के कहते हो कि सौंदर्य शर्मा एकदम फालतू और फ्री है। करण जौहर ने अच्छी खासी जब ये बातें छेड़ी तो गौतम बिक अपनी सफाई देते हुए नजर आए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ना ही मैंने ये वर्ड कभी यूज़ किया है। तो करण जौहर कहते हुए नजर आए, बिना फालतू में मुझसे जुबान नहीं लड़ाओ, हमारे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, तुम चाहो तो हम तुम्हें दिखा सकते हैं। जब गौतम बिक ने ये बात सुनी कहीं ना कहीं सारे के सारे फैंस की धज्जे उड़ गई कि यार आखिर ये गौतम बिक ने क्या बोल दिया, इतनी मुश्किल से तो इन दोनों का रिश्ता बनने को आया था और वहीं पर टूट भी गया। बड़ी ही अपसेट नजर आए कौन, गौतम बिक। अब आपकी क्या राय है कि आपने सुना है गौतम बिक को ऐसा बोलता हुआ, जरूर बताएं।